नमस्कार, मैं हूं सपन विश्वास, अंडमान एंड निकोबार न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आज देख रहे हैं कि हम लोग खड़े हैं आज 7 नंबर वार्ड आरकेपुर लिटिल अंडमान में, और ये दुकान में खड़े हैं जो दुकान में आपको कई तरीके की चीज आपको दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे आपको ये जो हनी है, ये जो हनी है मधु का जो बॉटल रखा हुआ है, इसमें हनी भरा हुआ है। ये हनी जो है यहाँ का दुकानदार का जो इंचार्ज है, जो दुकान चलाता है, ये अपना घर में इसका प्रोडक्शन करता है। यानी कि मधु पालन जो है इनका अपना घर का पिछवाड़े में कर रहा है, और वहीं से प्रोडक्शन होके ये हनी जो है यहाँ में रखा हुआ है। मतलब यहाँ का मैक्सिमम जो पब्लिक है जिन्होंने यहाँ ये दुकान में आया है और ये मधु खरीदा है और यहाँ से लेके गया है, और सबको अच्छा लगा। आइए पूछते हैं कि ये जो मधु पालन इस लोग कितना महीनों से या कितना सालों से यहाँ में कर रहे हैं। आइए पूछते हैं, मैडम आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम झुमा मजुमदार, 7 नंबर वार्ड में रहता हूँ। कितने सालों से आप ये बिजनेस कर रहे हैं, ये मधु कितने सालों से बना रहे हैं? मधुमक्खी ये 31 साल हो गया। जैसे कि आपके सामने अभी झुमा मजुमदार ने कहा है कि ये जो बिजनेस है ये पिछले 31 साल से ये कर रहा है ये काम, और इसके साथ है हमारे मैडम जी श्री सुनंदा बॉल जी भी खड़े हैं, इन्हीं का साथ ये काम कर रहे हैं। और इस काम को देखने के बाद हमारे जो नाबार्ड एनजीओ और अकानी एनजीओ, ये दोनों ने मिल के आके यहाँ में आके चेक किया, इस लोग को टेस्ट किया, उसके बाद जो है इस लोग को सारा एग्जामिन करने के बाद इस लोग को ये जो दुकान दिख रहा है, ये दुकान उन लोग अपना पैसा से इन्वेस्ट करके दिया है, और ये जो सामान है इसी लोग अपना बनाया, ये जो मधु है ये आप लोग अपना खुद बना के बिक्री कर रहे हैं। और इसके लिए ये जो नाबार्ड एनजीओ और अकानी एनजीओ इन लोगों को इसका तनख्वाह देता है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये पूरा दुकान जो है अंडर गवर्नमेंट है। देख लीजिए, मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये दुकान में ये लोग काम कर रहे हैं और किस तरीके से मधु पालन का काम हो रहा है। देखते रहिए। मैं आपकी आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से काम हो रहा है। ये देखिए, ये आपका सामने दिख रहा है, ये जो दोनों डब्बा सामने टेबल पर देख रहे हैं इसमें सारे हनी भरा है, ये मतलब आपको स्टोरेज करके रखा है। और बाकी जो दुकान का सामने ये देखिए बॉटल से भरा हुआ, मतलब आप लोग को कहीं भी मतलब खरीदने मिल जाएगा यहाँ में, ये जो स्टोरेज करके रखा है एक दुकान में रखे हैं लोग। यहाँ पे जैसे कि ये सामान भी बिक्री होता है, यहाँ में लेडीज लोग अपना टेलरिंग कर रहे, कई तरह के मतलब कपड़े यहाँ में मिलेंगे, सिलने को मिलेंगे। और मैं आपको अंदर लेके जा रहा हूँ कि किस एनजीओ ने यहाँ पे जो है डोनेट किया है। आइए मैं आपको लेके जाता हूँ। ये जो आपके सामने अभी भी बात किया सुनंदा मजुमदार जी जो इंचार्ज है, और यहाँ पर जो ये बाकी दो लेडी स्टाफ है, ये इनका ट्रेनर है। ये सब अभी बनाया, अभी बन के रेडी हो गया। अभी जैसा जुमा मजुमदार जी ने अभी कहा है कि ये लोग अपना खुद बनाते हैं, और मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कि ये बोर्ड में आपको क्या लिखा है। देखिए, ये बोर्ड में लिखा है कि हरियाली रूलर मार्ट आरकेपुर लिटिल अंडमान, और ये एनजीओस का नाम लिखा है जिन्होंने ये चीज़ को डोनेट किया। एक है जो आपका अकानी एनजीओ, दूसरा है आपका नाबार्ड एनजीओ। तो ये दोनों एनजीओस ने ये चीज़ को अच्छा लगा इसको देख के कि ये लोग कैसे अपना काम कर रहे हैं और ये हनी प्रोडक्शन कैसा करते हैं। ये चीज़ टेस्ट करने के बाद, एग्जामिन करने के बाद इन लोग को ये चीज़ इस लोग को साथ दिया, डोनेट किया है। अब ये लोग अपना जो भी ये काम जो यहाँ में टाइम स्पेंड करके करते हैं, मतलब एक तरह का मान लीजिए कि ये दोनों, ये चारों महिला यहाँ में नौकरी करती है, इस लोग को पेमेंट मिलता है एनजीओ से। ये सारे काम, चाहे वो सिलाई बोलिए, चाहे वो दर्जन है, लेकिन अभी तो नहीं है स्टेशन में, ये लोग चार अभी काम करता, फिर 1 बजे और भी दोनों आके दुकान खुला जाएगा। मतलब ये आपको बोला, जब आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि यहाँ पे और भी महिला लोग हैं, लेकिन वो सारे महिला यहाँ मौजूद नहीं है, इसीलिए आपको ये दिखा रहे हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मिलेगा हनी? हनी
अभी फिलहाल मैं इसका खुद सबूत हूँ कि मेरे ही सामने अभी एक पब्लिक ने जैसे कि अभी एक हनी का बोतल लिया है, खरीदा है, तो इस तरह कई बोतलें बिक्री हो चुका है। आइए चलते, मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि मधु मतलब हनी का प्रोडक्शन आखिर होता कहाँ है। ये मैं आपको लेके जा रहा हूँ जहाँ पे जुम्मा मजुंदर जी और उनके जो हस्बैंड है कमलेश मजुंदर जी, जहाँ पर आपका ये हनी का प्रोडक्शन कर रहा है, मैं आपको लेके जा रहा हूँ दिखाने के लिए। ये एक तरह का देखा जाए तो एक ऑर्गेनिक है। ये आ गया आपका प्रोडक्शन का जगह। ये शुरुआत में हम लोग को दिखने को मिल गया है, ये देखिए हनी का बॉक्स जो प्रोडक्शन कर रहे हैं। यह है कमलेश मधुंदर जी, इस घर का मालिक प्लस ये जगह का मालिक। ये देखिए, तो ये देखिए ये कैसा ये लोग प्रोडक्शन कर, ये है चीज, इसका अंदर मधुमक्खियां काम कर रहा है अपना, देखिए जो अपना जो भी प्रोडक्शन कर रहा है। ये एक बॉक्स है, अभी आपको लाइन से दिखेंगे बॉक्स, मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे चल के। ये सारे जितने सारे बॉक्स है ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक प्रोडक्शन ऑलरेडी चल रहा है आपका, ये जो हनी बनाने का प्रोडक्शन ऑलरेडी चल रहा है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से जो ये लोग प्रोडक्शन करते हैं। इस तरह कहीं बॉक्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, कहीं बॉक्स हमें मौजूद हैं। ये जितने भी बॉक्सेस आपको दिखाया जा रहा है ये सब में मधु प्रोडक्शन चल रहा है। देखिए ये सब में आपको मधु प्रोडक्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब ये एक तरह का मान लीजिए ऑर्गेनिक हनी है जो आपको इसमें दिखाई मिलता है। ये सारे प्रोडक्शन जो है आपको टेस्ट करने के बाद नाबार्ड और अकानी जो एनजीओस ने इन लोगों को सहायता किया है, डोनेट किया है कि हाँ आप लोग बिजनेस करो, इन्वेस्ट किया है आप लोग, पढ़ाई भी रखा है। ये है आपका सामने जो खड़ा है, आप लोग ठीक से देखे हैं जुम्मा मजुंदर जी और सुनंदा बॉल जी, इन लोगों ने जो है ये सब काम में देखभाल करता है। आइए आगे जाके देखते हैं दूसरे स्टाफ, दूसरे स्टेप क्या है। हिंदी की फंक्शन बोले तो फंक्शन, ये जो कढ़ाई देखता ये चीटी बहुत डैमेज करता मधुमक्खी को, तो वो बचाने के लिए उसका अंदर पानी देता, इसमें एक स्टैंड रहता, इसका अंदर एक स्टैंड जमीन का साथ बहुत टाइट से फिक्स रहता, इसके अंदर पानी दे देता, पानी देने से उस और चींटी जाके उसको मधुमक्खी को नाश नहीं कर सकता। आप 2 महीना तक बाहर में रहने से, कलकत्ता घूमने के जाएगा 2 महीना बाहर रहने से सेफ्टी रहेगा, इसीलिए इसमें पानी दे के रखने के लिए। तो जैसे कि आपने देखा है सारे प्रोडक्शन का बारे में बताया गया है, तो इस तरह से जो है आपका हनी का प्रोडक्शन होता है। और अभी जैसा देखा है कि हमारे कमलेश मजुंदर ने आपको डिटेल से समझाया है, तो इस तरह से होता है आपका अपना काम। मेरा ज़मीन छोटा है लेकिन हम इधर क्या बहुत सब्जी मैम गाड़ा, ये बैंगन है, वो भिंडी है, वो मिर्ची है, और बहुत सारे से पपीता है, बहुत सारे वुड एप्पल है, बहुत सारे चीज़ मेरा इधर अवेलेबल है। हम रखता हूँ, हम मार्केट से सब्जी लेता ही नहीं, सो अपना से ऑर्गेनिक से बना के। तो जैसा कि आपने आपका सामने बताया है कमलेश मजुंदर जी, इस तरह से प्रोडक्शन होता है और ये सारे के सारे हनी जो है उनका दुकान में बिक्री किया जाता है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक पपीता पक भी गया इसका बगीचे में। तो आगे भी इस तरह आपको दिखने मिलेगा।